राजस्थान में बुलडोजर भले ही आज सुर्खियों में आया हो, लेकिन इससे पहले जहांगीरपुरी के बुलडोजर चर्चा में रहे। अब जहांगीरपुरी दंगों के मास्टरमाइंड अंसार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखकर अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने को कहा है। कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज खुद अंसार से पूछताछ की, जो इस वक्त क्राइम ब्रांच के रिमांड पर है। इस बीच अंसार का ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं 16 अप्रैल को हुए दंगों के दौरान जिस शख्स ने हनुमान की मूर्ति वाले रथ को दंगाइयों से बचाया था, आज उसने बताया कि उसे शोभा यात्रा निकाले जाने से पहले ही धमकी दी गई थी कि ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। हनुमान जयंती के दिन दंगों के शिकार हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सियासी परेड हो रही थी। एक के बाद एक, पार्टियों के बाद पार्टियां, लीडर्स के बाद लीडर्स के जत्थे पहुंच रहे थे। मकसद था पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। दंगों के बाद हुए बुलडोजर एक्शन का विरोध, दंगों के शिकार लोगों से हमदर्दी के नाम पर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश, लिहाजा आज एक दो नहीं पूरे 5 सियासी दलों के लीडर जहांगीरपुरी पहुंचे और इलाके के लोगों से मिलने की कोशिश की। शुरुआत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डेलीगेशन से हुई थी, जो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहने वालों से मिलने पहुंचे थे, मगर उन्हें पुलिस ने उस कौशल चौक के पास रोक दिया जहां पर 16 अप्रैल को दंगा हुआ था। मुस्लिम लीग के बाद कांग्रेस, टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के लीडर बारी बारी से जहांगीरपुरी पहुंचते रहे और पुलिस के अधिकारी उन्हें कौशल चौक से आगे बढ़ने से रोकते रहे। पुलिस का मैसेज क्लियर था, उन्हें हर हाल में इलाके में पहले जैसा अमन कायम करना है। सियासत तो होती रहेगी, उसके लिए तो आगे भी मौका होगा, अभी पहली प्रायोरिटी शांति बहाल करना है। आज जुमे की नमाज थी, इसलिए इलाके में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। नमाज से पहले ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी की अमन कमेटी के साथ बैठक की और सियासी दलों को भी समझाया कि अभी इलाके के दौरे की जिद से बचें तो बेहतर हो। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी से कॉन्टिन्यूस बातचीत में है और हम लोगों की हर संभव कोशिश है कि जो लाइफ है, जिंदगी है, नॉर्मल पहले की तरह हो जाए। यहाँ सब कुछ जैसा था वैसा हो और इसकी हम कवायद कर रहे हैं, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लोगों से बात भी की है, जो इलाका है इलाके का दौरा भी किया है, बिल्कुल शांति है और बेहतर सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होने देना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का इंसाइटमेंट हो जाए और अभी माहौल बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ऐसा सिचुएशन नहीं होने देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई कम्युनिकेशन लैग हो और उससे कानून व्यवस्था में जरा सा भी कोई खलल पड़े। जहांगीरपुरी में सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन पहुंचा था। वीएचपी के जत्थे में 150 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने केवल 5 लोगों को कौशल चौक से आगे जाने की इजाजत दी। वीएचपी का डेलीगेशन दंगे के शिकार हिंदुओं के परिजनों से मिलना चाहता था। इसके नेताओं को उन परिवारों से मुलाकात करनी थी जिनके सदस्यों को पुलिस ने दंगे के बाद गिरफ्तार किया है। वीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष कपिल खन्ना ने आरोप लगाया कि दिल्ली जिहादियों का अड्डा बन चुकी है, इसकी सफाई करना जरूरी हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली इन जिहादी तत्वों के पंजों में जकड़ चुकी है। ये स्थान स्थान पर ये जिहादी तत्व समय समय पर अपने कार्य करते रहते हैं। 2 वर्ष पहले की बात ले लीजिए जब दंगे हुए, उससे पहले शाहीन बाग के अंदर क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ये दिल्ली को इन जिहादी तत्वों से मुक्त करवाना है, हम सबको कृत संकल्प इस कार्य के लिए होना है, इकट्ठे होना है, इकट्ठे होकर इस कार्य को करना है। विश्व हिंदू परिषद का प्रण है कि दिल्ली को इन सब जिहादी तत्वों से हम मुक्त कराएंगे, दिल्ली को पहले के जैसे शांत दिल्ली बनाएंगे और ये दिल्ली आगे एक बार फिर तरक्की करे, सब लोग यहाँ पर आगे बढ़े, ऐसा हम कार्य करेंगे।
उधर जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन के बाद वहां पहुंच रहे सियासी दलों की हमदर्दी किसके साथ थी ये शुरू से ही क्लियर था, और ये भी क्लियर था कि इन पार्टियों का टारगेट कौन है, कांग्रेस का डेलीगेशन हो या फिर मुस्लिम लीग का। उनका कहना था कि बीजेपी के राज में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और ये पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी है। इंडिया और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, भारत में हमारा अल्पसंख्यक समुदाय काफी डरा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हो रहे हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है, इसलिए हम जहांगीरपुरी आए, कल और भी नेता यहां आएंगे, पार्टी इस पर अपना कड़ा रुख रखेगी। समाजवादी पार्टी ने भी आज अपने सांसदों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी भेजा था। पार्टी के ये सांसद उन लोगों से मिलना चाहते थे जिनके घरों को अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत तोड़ा गया था। पार्टी के बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बिना किसी लाग लपेट के अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। उनकी हमदर्दी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है क्योंकि वो खुद उसी से ताल्लुक रखते हैं। बर्क ने तो ये मानने तक से इनकार कर दिया कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव भी हुआ था। कहीं भी किसी भी मस्जिद पे कोई जल चढ़ाए इलीगली तो क्या मुसलमान खामोश बैठे रहेगा? क्या बात है, अगर मैंने सच्ची बात कह दी तो उसमें गुनाह है। यहाँ पर हिंदुओं के घर पे भी जो दुकानों के बाहर अतिक्रमण था उस पे बुलडोजर के साथ भी अगर जाती हुई है वो भी गलत भाई, वो जाती किसी के साथ हो, हम ये नहीं चाहते कि हिंदू भाई के या किसी ईसाई के या किसी क्रिश्चियन के या और किसी के या सरदार के साथ या जाटव के साथ हो, नहीं किसी के साथ नहीं। पथराव हुआ उस पर भी नहीं बोला? नहीं है, पथराव कहाँ हुआ, तस्वीरें हैं। तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए आप यहाँ पर आए? मुसलमानों के लिए तो मैं तो खुद मुसलमान हूँ, मुसलमान होने का ये सबूत है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। राजनेता तो सबके, राजनेता सबके, लेकिन मैं एक कौम का जब आदमी हूँ तो उस कौम का मुझे ख्याल रखना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे, वो भी बुलडोजर की कार्रवाई के शिकार हुए लोगों से मिलना चाहते थे। जब पुलिस ने सीपीआई के नेताओं को रोका तो वो जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर ही धरने पर बैठ गए। पार्टी की नेता एनी राजा की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। आखिर में पार्टी के लीडर डी राजा ने केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली और लौट गए। जब हमदर्दी जताने की सियासी होड़ लगी हो तो भला ममता बनर्जी कहां पीछे रह जाती। उन्होंने अपनी 5 महिला सांसदों को जहांगीरपुरी जाकर हालात पर एक रिपोर्ट भेजने को कहा। काकोली घोष दस्तिकार की अगुवाई में टीएमसी की 5 सांसद जहांगीरपुरी पहुंची थी। उन्होंने कहा कि यहां की सिचुएशन की जमीनी रिपोर्ट ममता बनर्जी को भेजेंगी। काकोली घोष दस्तिकार जिस पश्चिम बंगाल सूबे से आती हैं, जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी अंसार का ताल्लुक भी वहीं से है जो हल्दिया का रहने वाला है, और पुलिस कह रही है कि उसी ने हनुमान जयंती के दिन दंगों की साजिश रची थी। अंसार सिर्फ दिल्ली में एक्टिव नहीं था, वो वेस्ट बंगाल में भी सियासी तौर पर बहुत सक्रिय था। उसकी एक और करतूत सामने आई है। बीजेपी का दावा है कि अंसार ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला किया था, वो भी तब जब वो ममता बनर्जी को हराने के बाद अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि अंसार को पॉलिटिकल पावर टीएमसी से ही मिलती रही है। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अंसार टीएमसी के पार्षद शेख अजीजुल रहमान के साथ दिख रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इसीलिए ममता बनर्जी ने पार्टी के सांसदों को जहांगीरपुरी भेजा था। हालांकि इन सियासी आरोपों से इतर दिल्ली पुलिस अंसार की क्राइम फाइल के एक एक हर्फ को खंगाल रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखकर अंसार के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को शक है कि अंसार मनी लॉन्ड्रिंग भी करता था। जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार, जिसकी कई सारी तस्वीरें इंडिया टीवी ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई, किस तरीके से सोने की मोटी मोटी चैन, अंगूठी और शराब के साथ उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। इसके बारे में जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि ये बांग्लादेश से लड़कों को यहाँ पर बुलाया करता था और महंगी महंगी जो चोरी की गाड़ियाँ होती थी उन्हें यहाँ से सप्लाई किया करता था। हमने इसकी तस्वीर आपको महंगी गाड़ियों के साथ भी दिखाई। इसका डोजियर इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाया, जिसमें यह पता लगा कि साल 2009 से इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था
और इसके ऊपर चाकूबाजी से लेके गैमलिंग यानी कि सट्टा चलाना और हमला करने के, छेड़खानी करने के, पुलिस के काम में बाधा डालने के कई मामले दर्ज हैं। ये सारी चीजें हम आपको दिखा चुके हैं। अब अंसार के ऊपर कानून का सबसे बड़ा शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि इस पूरे दंगे के अंदर उसका मुख्य रोल सामने आया है। उसने साजिश रची थी, ये दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को। और सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी जो आपको बता रहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 21 अप्रैल को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में ये मांग की है ईडी से कि वो मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन लें। और तस्वीरें एक बार दोबारा से, ये जो आप सी ब्लॉक देख रहे हैं, यहीं का रहने वाला है अंसार, और इस इलाके के अंदर उसने अपनी पैठ बना रखी थी, जो स्क्रैप के कारोबार की आड़ में कई सारे जो काली जो क्राइम के जो कई सारे धंधे हैं उन्हें वो चला रहा था। और अब ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, इसके ऊपर एनएसए पहले ही लगाया जा चुका है, और अब ईडी को भी इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक लेटर लिखा है। अंसार के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात तो वो लोग भी मान रहे हैं जो उस दिन दंगे के शिकार हुए। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बीच रथ को खींच कर ले जाने वाले सुरेश सरकार ने बताया कि 16 अप्रैल के दंगे की साजिश अंसार ने ही रची थी। आंसर का साथ जी, मेरा आंसर के साथ कोई विवाद नहीं है, पर आंसर आंसर का ये है, आंसर का काम ही यही है, आंसर का काम है सामने वालों को डराना है, उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होता है। अगर इतना बड़ा बात नहीं होता तो कार्रवाई नहीं को कब तक जेल से कितने काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, बाकी कोई कुछ निकल सेटिंग सब निकलते, ये तो बहुत बड़ा काम हो जब आंसर के ऊपर ये बात जेल तक पहुँचा है। यहाँ माहौल तो डर का है, कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर टारगेट बना रखे हैं, एक आधा भाई कुछ लोगों के पास फोन भी आ रहे जो यहाँ से निकल जाओ, ये है वो है, कहाँ निकल जाए, यहाँ से कहाँ निकलेंगे जी, हिंदुस्तान से कहाँ निकलेंगे। आपको ये वीडियो तो याद ही होगा जिसमें पथराव के बीच हनुमान की मूर्ति वाले रथ को एक युवक खींच के ले जा रहा था। ये वही सुरेश सरकार हैं जिन्होंने अंसार और दंगों के कनेक्शन के बारे में बताया। सुरेश सरकार के भाई सुकेन सरकार को दिल्ली पुलिस ने दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुरेश ने इंडिया टीवी के संवाददाता जतिन आनंद को उस दिन की घटना के बारे में विस्तार से बताया। काली मंदिर का कोना, वहाँ पे अंसार और अंसार के कई साथी खड़े थे, वो लोग बच्चों के साथ धक्का मुक्के भी कर रहे थे, जो शोभा यात्रा में मौजूद लोग थे उनके साथ। हाँ, और उसने मेरे को बोला जो अगर मस्जिद के सामने जाएगा तो ड्रामा हो जाएगा, तो मैंने देखा अगर शायद ये कुछ कर सकता तो मैंने अपने रथ को आगे निकाल के मैं पीछे रह गया, मतलब इनको जाने दो पहले, उसके बाद देखते। और वाक्य में वही हुआ जो नहीं होना था, वही हुआ। चार पाँच मिनट के बाद में भागदौड़ चालू हो गया, तो मैंने देखा लोग उधर से उस तरफ से तलवारें डंडे पत्थर लेके सब लोग सब तीतर बतर। जहाँ वो रथ पड़ा हुआ था वो कोसोलोल का चौक था जी, वो रथ पड़ा, रथ के ऊपर पत्थर ईंट बियर की बोतलें सब मार रहे, सामने सारे बंदे हमारे भाग चुके थे, क्योंकि ऊपर से जब पत्थर चले ना, कहाँ से पत्थर नहीं चला, देख रहे इस तरफ सब पत्थर मार रहे, घरों से भी पत्थरबाजी हो रही थी, घरों से भी हो रहे थे जी, छतों से हो रहे थे जी, जांच करोगे तो मस्जिद से भी हर जगह से पत्थर हो रहा था। प्लानिंग नहीं होता तो 5 मिनट के अंदर इतने हजार पत्थर कहाँ से आ गए, इतने बियर के बोतल कहाँ से, पूरा प्लानिंग था, ये बिल्कुल प्लानिंग और बहुत मजबूती प्लानिंग, इनके पीछे से बहुत सपोर्ट करा होगा जी। उस दिन सुरेश के साथ पथराव के बीच रथ खींचने में उनके साथ ही मंगल ने भी पूरा सहयोग दिया था। मंगल ने भी बताया कि उस दिन क्या हुआ था। पूरी शोभा यात्रा में थी शुरू से लेकर एंड तक था, जैसे हम काली मंदिर पे पहुंचते और हमारे पास मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा यहाँ बुरा होने वाला है, उतना मैसेज आया था उतने में ऊपर से पत्थर और बोतलें आ जाती है जी, ये हुआ है वहाँ पे, और इनका कहीं ना कहीं माफियाओं का हाथ निकलेगा, कहीं से इनके पास चढ़ावा आ रहा है या पैसा आ रहा है, इनके घर पे इतना पैसा पहुंच चुका है, ये 10 साल तक भी जेल में बंद हो गए, इनका घर भूखा नहीं मरेगा जी। 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक साजिश का नतीजा था। अब दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। उम्मीद यही है कि कानून के शिकंजे से अब ना तो दंगाई बच पाएंगे और ना ही उनके पॉलिटिकल मास्टर्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।